देशभर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान वल्लभ ने कहा कि फिल्मों की टैक्स फ्री करने की जगह पेट्रोल डीजल को टैक्स फ्री करते तो जनता का फायदा होता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे। लगातार महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है, फिर चाहे एलपीजी सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, दिल्ली में 100 के पार पेट्रोल पहुँच गया। कई दिनों से देश में एक फिल्म को टैक्स फ्री कराने की चर्चा चल रही है। मैं हिंदुस्तान के हर युवा की ओर से, हिंदुस्तान की हर महिला की ओर से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर टैक्स फ्री करना है तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को कर दो। अगर आप पेट्रोल और डीजल को टैक्स फ्री कर दोगे तो 40 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएगा। अगर आप गैस सिलेंडर को टैक्स फ्री कर दोगे तो 350 से 400 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से दाम कम हो जाएंगे। रही बात फिल्म की, फिल्म जिसको देखनी है वो टैक्स देके भी देख लेगा, पर पेट्रोल और डीजल हर हिंदुस्तान का व्यक्ति, मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, हिंदुस्तान का मेहनत का किसान, हर व्यक्ति पेट्रोल डीजल भरवाता है। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो चौतरफा महंगाई बढ़ती है, भले वो फल फूल हो, सब्जियां हो, रोजमर्रा की जो राशन का सामान हो, किराने का सामान हो, हर जगह महंगाई बढ़ेगी। तो अगर टैक्स फ्री करना है माननीय मोदी जी और माननीय भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि टैक्स फ्री करना है तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को कर दीजिए। आपको महंगाई से देश की 80% आबादी जूझ रही है। हाँ, आपके दो चार जो इष्ट मित्र हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस 80% से ज़्यादा आबादी को आप इमीडिएट रिलीफ दे दें। यूपी की बात करें तो यूपी में बोर्ड से चल रहे हैं और ऐसे में इंग्लिश का पेपर जो है वो लीक हो गया है और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में रद्द कर दी गई है। देखिए, पहले आप परीक्षा करवाते नहीं हो, परीक्षा हो जाती है तो वो लीक हो जाती है, लीक के बाद वापस परीक्षा होती है तो उसका नतीजा नहीं आता, नतीजा आ जाता है तो साक्षात्कार की डेट नहीं आती, साक्षात्कार की डेट आ जाती है तो उस दिन साक्षात्कार नहीं होते, उस दिन साक्षात्कार हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जाते, अपॉइंटमेंट लेटर चले जाते हैं तो 4-4 साल तक लोगों को उस पद पर नौकरी नहीं दी जाती। ये इसके लिए आपको चुना गया है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। और आपने तो आते ही अपने रंग दिखाना चालू कर दिया। मुझे लगा इस बार आप कुछ गंभीर विषयों पर गंभीरता से चीज़ों को समझोगे, पर आपने फिर से पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा नहीं हो, परीक्षा की नई डेट आ जाए तो साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार हो जाए तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाए तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तो आप उसको ज्वाइन नहीं करवा रहे। देश के युवा आपकी इस क्रोनोलॉजी से परेशान हो चुके हैं। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद, उनके घर पर हमला होता है, आप इसे कैसे देखिए? पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में कहना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल पर और किसी भी व्यक्ति पर, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति पर हिंसा होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। पर सवाल ये है कि आज होल्डिंग कंपनी जो कि बीजेपी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी जो कि आम आदमी पार्टी है, आज होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि होल्डिंग कंपनी के गुंडे सब्सिडरी कंपनी के सीईओ पे हमला कर रहे हैं? देश को दोनों लोग बाहर आके इसके बारे में जवाब। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमसे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।